हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है प्रतीक और आज हम केपलर लॉ स्टडी करेंगे केपलर एक साइंटिस्ट जर्मन एस्ट्रोनॉमर और एक मैथमेटिशियन था जिसने प्लेनेटरी पोजीशंस और मोशंस को स्टडी करके तीन लॉस का स्टेटमेंट दिया था जिसे आज हम समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट केपलर फर्स्ट लॉ ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट इज एन इलिप्स विध सन एट वन ऑफ दर का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी प्लेनेट का ऑर्बिट इलिप्स फॉर्म में होता है इलिप्स इज ए जोमेट्री टर्म को इंक्लाइन प्लेन में कट करने के बाद जो इस तरह का शेप बनता है उसे इलिप्स कहते हैं केप्लर सेकेंड लॉ दि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड दन स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेट एस बी दन

लेट्स ज्वाइन ए एस सी एस बी एस एंड डी एस अब हम फिर से एक बार लॉक के स्टेटमेंट को समझते हैं दी लाइन ज्वाइनिंग द्लानेट एंड दन मींस लाइन ए एस एंड लाइन सी एस दाइन ज्वाइनिंग द्लैनेट एंड दन स्विप्स इक्वल एरिया मींस यहाँ किस एरिया की बात हो रही है द लाइन ए एस स्विप्स अप टू लाइन बी एस एंड इन सेकेंड केस सी एस टू डी एस इस तरह से यहाँ दो एरियाज क्रिएट हो रहे हैं जिसे हम ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहे हैं और साइंटिस्ट केपलर कहता है बोथ एरियाज दैट इज एरिया ए एस बी एंड एरिया सी एस डी आर इक्वल अगर प्लैनेट पॉइंट ई e पे होता सेम इंटरवल के बाद न्यू पोजीशन मिल रही है पॉइंट एफ तो एरिया ई एस एफ विल बी इक्वल टू एरिया ए एस बी एंड एरिया सी एस डी यह था केपलर का सेकंड लॉ आगे बढ़ते हैं केपलर के थर्ड लॉ की तरफ

तो के क्यूब फॉलो करते है लेकिन आगे साइंटिस्ट न्यूटन को अपने थियरी ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट करने में इन लॉज की काफी मदद मिली नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी करेंगे सो so फ्रेंड्स आने वाले समय में आपको कई सारा यूजफुल स्टडी मटेरियल और नॉलेज हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है वी हैोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो